हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या यार, वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कहते थे तुम चमार जाति के। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े।